हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? आप सब का एक बार फिर से स्वागत है ऋषियांचल व्लॉग्स में। तो सुबह सुबह हम उठ चुके हैं, आज है संडे, तो सभी काम आराम आराम से होगा। तो अभी देखिए घर की स्थिति क्या है। ये देखो अशिम ने क्या आतंक मचा रखा है सुबह उठते ही। और ये है यहाँ की नई वर्कर जिसे मैंने हायर किया हुआ है। जल्दी जल्दी आज ब्रेकफास्ट में परांठे चाहिए मुझे और कॉफ़ी चाहिए साथ में, जल्दी से जल्दी तैयार करियो। और आरवी भी उठ चुकी है आज। आरवी, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? वेल, ओके। तो आज आरवी का फीवर काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। आरवी आज काफ़ी फ्रेश फ्रेश फील कर रही है। तो आरवी ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, दो ब्रेड और दूध के साथ। तो एक लास्ट बाइट है, लास्ट बाइट ले लो। तो एक मेंबर अभी हमारा घूम, मैं उसको ढूंढता हूँ। तो मेंबर तो यहाँ पे मिल गया है, यहाँ पे शरारते कर रहा है। ये देखो, मतलब दो कमरों में तो इसने बुरा हाल आतंक फैला रखा है, अब तीसरे कमरे में पहुंच चुका है ये, ताकि तीसरे कमरे की भी ऐसी जैसी फैले। तो पहले तो मैं करता हूँ पूजा पाठ, फिर करते हैं ब्रेकफास्ट। तो ये है हमारा छोटा सा मंदिर, तो करते हैं पूजा, मिलते हैं आपको पूजा के बाद। तो जी हमारी पूजा पाठ हो चुकी है। तो अर्शिव जी, क्या प्रोग्राम है आज का? कहाँ जाना है? आवाओ में, आवाओ में कहाँ जाओगे आज? हैं, आवाओ में कहाँ जाओगे आज? कहाँ जाओगे आज? आवाओ में आ जाओ, इधर आ जाओ और लाइट बंद कर दो। कर दो बेटा, आज भी ये पैकेट में सारे इसके खिलौने इकट्ठे, गंदा है सारा, इसने गंदा कर कर दो इन सबको इकट्ठा। देखो जी, सुबह सुबह पहुंच गई है मैडम क्यूरी, बोलती है अब मुझे भूख लगी है, मुझे खाने दो। ये देखो आराम से ले जाएगी, कुछ नहीं बोलेगी। तो और एक इसके साथ हीरो भी आया है, हीरा लाल, तुझे क्या चाहिए? कहाँ, डंडा दे, डंडा दे इसको, तो मैं खाने पड़ता है बेकार। चल ले तू खा ले, तेरे को ये हुआ। ये देखो, ये देखो, ये चौड़े होते हैं, पर वो नहीं होती बेचारी, वो तो हाथ से कुछ चुपचाप पकड़ के चली जाती है और खा लेती है। तो जी लंच करके अब अर्शिव को सुला करके हम लग गए अपने काम में, जो कल का पेंडिंग रह गया था। आरवी, आरवी को बैठा रखा है हमने पढ़ने, ये देखो पढ़ रही है। और हमने दोबारा से दुकान खोल दी है बुक्स और नोटबुक्स की। तो बुक्स तो कल हमने सब ओके कर दी थी, आज करें नोटबुक्स। ये देखो आंचल बैठी हुई है हलवाई की तरह बीच में चौकड़ी मार के, और फटाफट तैयार कर रही है बुक्स, और मैं कर रहा हूँ इनको स्टेप। तो आरवी को आंचल ने दे रखा था थोड़ा बहुत पढ़ने को, कि कुछ तो रीड कर ले, कल मैम कुछ पूछेगी, कुछ तो बता दियो। तो आरवी वो कर रही है। अच्छा चलो ठीक है, तो करते हैं हम स्टेपिंग जब तक अर्शिप उठता है, जल्दी जल्दी से ये काम फिनिश कर देते हैं। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो जी खाना वाना खाकर, डिनर करके सब फ्री हो गए हैं। मैं कर रहा था एडिटिंग, बच्चे लोग सुला दिए हैं क्योंकि कल आरवी का है स्कूल। तो अर्शिव तो सारे दिन खेल खेल के थका हुआ होता है, तो 9:30 उसका लास्ट है, बड़ी मुश्किल से 9:30 बजा पाता है, उसके बाद वो सो जाता है। तो मेरा चली हुई थी एडिटिंग, ये देखिए। और आंचल लगी हुई है कल की तैयारी में, सब कुछ सेट कर रही है सुबह के लिए, क्योंकि सुबह 7:15 हम आपको यहाँ से निकलना पड़ता है, 7:15 बजे आरवी की कैब आ जाती है। तो चलो दिखाता हूँ आंचल के क्या कर रही है। कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, इधर से तो गायब ही लग रही। अच्छा अभी लगी है। सामान ही ढूंढ रही हो ताकि सुबह के लिए कुछ रहना जाए, सुबह फिर हड़बड़ी मच जाती है। एक तो अच्छी बढ़ जाता है ना सुबह सुबह, इसलिए पूरा काम अभी सेट करके रखती हूँ। तो चलो आपको भी दिखाती हूँ हमने आरवी के लिए क्या क्या शॉपिंग की, कैसे कैसे सेट किया इसका सामान। तो सबसे पहले तो ये देखो, सबसे पहले मैंने ये लिया आरवी के लिए पैक। तो इस बार मैंने इसके लिए बिल्कुल डार्क कलर लिया हुआ है। आरवी तो इस बार भी लगी हुई थी, नहीं नहीं मम्मा मुझे ये वाला चाहिए, ये लाइट कलर चाहिए, पिंक कलर चाहिए। मैं कहा नहीं, लास्ट ईयर भी मैंने इसके लिए दो बैग खरीदे, एक पिंक और एक वाइट। और वो जैसे कि टैक्सी में रखते हैं, स्कूल में रखते हैं, तो वो नीचे से ना बिल्कुल काले हो जाते हैं, और हर तीसरे दिन धोना पड़ता था मेरे को बैग। तो उससे सबक लेके मैंने इस बार ये डार्क कलर लिया है, ताकि कम से कम हफ्ते 10 दिन तो चल पड़े ये। तो ये रहा इसका बैग। और ये देखो,
मैंने किताबों में कवर भी लगा दिया, बस इतनी किताबें नहीं है, बहुत सारी थी, इतनी सारी नोटबुक्स, इतनी सारी बुक्स, ये तो वो किताबें जो मैम ने कल मंगवाई हुई है। तो देखो मैंने सारे नाम नुम लगा के, नाम नुम लिख के सारी ओके कर दी है। अब मैं बस इसका बैग ही पैक करी थी, और ये रहा इसका पेंसिल बॉक्स, ये इसने पूरी बाजार पूरे चंडीगढ़ में ढूंढा है, मुझे तो ये चाहिए ब्लू, क्या है ये ब्लैक पिंक, हमने तो नाम भी पहली बार सुने यार, आजकल के बच्चे पता नहीं किस किस के फैन है, ये देखो ब्लैक पिंक, मुझे तो ये चाहिए, तो ये ले लिया। और ये तो रफ नोटबुक्स है, और ये रहा इसका लंच बॉक्स, ये देखो ये रहा, ये स्टील का है, बाहर से ये भले प्लास्टिक का दिख रहा है पर ये स्टील का है, बच्चों के लिए जितना ज्यादा हो वैसे स्टील सबसे ज्यादा अच्छा रहता है, स्टील और ग्लास, तो ये इस तरह से है, और यहाँ से ऐसे खुलता है, ये रहा फोक और ये रहा स्पून, तो मैंने इन पे नाम लिख दिए। एक्चुअली अब बच्चे पहचान तो लेते हैं, उतनी छोटी तो है नहीं है कि ना पहचान पाए, पर कई बार क्या हो जाता है ना कि स्कूल में एक ही चीज़ दो दो तीन बच्चों के पास हो जाती है, तो फिर दिक्कत हो जाती है इनको, जब कभी मिसप्लेस इधर उधर हो जाए तो फिर लड़ाई झगड़ा ना हो बच्चों में, इसलिए मैंने हर चीज़ पे नाम लिख दिया है ताकि अपनी चीज़ आसानी से आइडेंटिफाई कर सके बच्चा। तो ये रहा ये रहा इसका फ्रूट बॉक्स, ये भी इस तरह से है, ये देखो ये रहा फ्रूट बॉक्स, और क्या है, और ये रही वाटर बॉटल, ये भी स्टील की है अंदर से, ये देखो और एक और है ओ थर्मोग्लास वाली जो ठंडा गर्म दोनों रखती है, पता नहीं कहाँ लेगी यार, वो अंदर लेगी भी, उसमें हॉट वाटर रखा हुआ अच्छा। अपने लिए पीने को। और ये रही आरवी की ड्रेस, मैंने बिल्कुल तैयार कर दी है, ये ब्लेजर ट्राउजर शर्ट सुबह के लिए ओके कर दिया है, तो बस ये है हमारी तैयारी जो दो दिन से चली हुई है, बस ये तैयारी तभी होती है जब अर्शिव सो जाता है, जब तो वो ज्यादा तब तो ये चीजें निकालनी नहीं पड़ती क्योंकि फिर तो इनका सत्यानाश कर देता है वो, तो बस इतनी सी है हमारी तैयारी, अब देखते हैं कल पहला दिन कैसा रहता है आरवी का, बच्चे तो सो गए, अब मुझे लगता है कि मैं भी सो जाऊं, मैं बहुत थक गई हूँ, रिशु की तो शायद एडिटिंग हो गई आपकी थोड़ी बहुत रही है, हाँ थोड़ी बहुत हो गए, अब हम भी सो जाते हैं, देखो 10:30 हो गए अब। तू सो जा, सुबह उठ के सब्जी बनानी पड़ेगी तेरे को, अभी काट कर भी नहीं रखी, कल से रूटीन शुरू हो जाएगी सुबह 5 बजे उठने की। तो जी करते हैं अब रेस्ट, अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आपका समय अच्छा रहे, टेक केयर, बाय बाय।